ये कहानी एक ऐसे बेटे के बारे में है जिसके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई थी दिन दिहाड़े। मुंबई में दिन दहाड़े एक बिल्डर का कत्ल कर दिया गया, दिल दहला देने वाली है, जिसमें एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी शामिल है। अपने टेन्योर के टाइम पे दाऊद इब्राहिम के लिए शूटिंग करने के लिए वो सस्पेंडेड। ये एक ऐसे जियाले नवयुवक की कहानी है जिसने स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसने अपने पिता के हथियारों के ऊपर अपने जासूस लगाए, जिसने अपना खुद का एक इंटेलिजेंस अपैरेटस सेट किया और जिसने बाकायदा ऐसे सारे काम किए जो शायद एक आम आदमी नहीं कर सकता है। मेरे घर के नीचे चार लोग आते गन लेके मेरे को डराने के लिए, मुझे उड़ाने की सुपारी दी थी और इन्होंने दी थी अबू सलीम के थ्रू उसके आदमी के थ्रू हसन मेहंदी, जैसे बिहार स्टाइल की, आप एक FIR से बाहर निकलोगे तो दूसरी FIR में जाओगे क्योंकि रेट फिक्स है इन लोगों के FIR काटने के लिए। आपको शायद जेरार्ड बटलर की आपको वो कहानी याद आ जाए, अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, जिसके अंदर किस तरह से उसने अपने परिवार पे हुए जुल्म का बदला लिया था और उसने किस तरह से हर उस शस्त्र का उपयोग किया था जो उसको इंसाफ दिलाने में कामयाब हो सकता है। आई एम महाराष्ट्र स्टेट टू बैन सन ऑफ डिजीज टू इम्प्लीट हाई कोर्ट इन दिस पिटीशन। आप हाई कोर्ट को भी पार्टी बनाएंगे, विल टेक एक्शन ऑन हाई कोर्ट ऑल्सो। एक कॉमन मैन के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत अफजाई से भरपूर और निहायत ही इंस्पिरेशनल। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। देखिए।